सीताराम दोस्तों, अभी हो गई है दूसरे दिन की सुबह। कल ये सब कुछ अनबॉक्सिंग किया था और शिव को ना ओम का ये टॉय बहुत अच्छा लगा, ये पूरा हॉट व्हील का सेट, और शिव ओम साथ में खेलने भी दे रहा है। तो इसमें कुछ इतना टूटे जैसा नहीं है। हाँ, वो लात मारने का है। अभी ओम की छुट्टी है ना 10 दिन की ऑटम ब्रेक, तो इसमें ही पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाए, है फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। सो एडवांस बर्थडे सेलिब्रेशन हो। ये तोड़ने वाला है पूरा का पूरा, ले लो। एक कार्डबोर्ड का ये शिव। अब ब्लू नाम कहाँ पे लगा? अभी ना शिव की जो बैठने की स्टाइल है ना, उसमें सब मजाक करते हैं कि ये कमल की जैसे बैठते हैं। जब नहीं चल रहे तो बैठ जाता है। शिव आ जाओ अभी रोज प्रैक्टिस हो रही। शिव आओ आवे आवे, अभी टर्न होना भी पता है। आ जाओ, ये देखो क्या तुम्हारा हाथ में दिखाओ। हाँ हाँ, तो सब एक गिर गया नीचे। राम राम सीताराम, राम राम सीताराम सबको। जो रिपोर्टर होते ना वो कैसे करते वो हम बताते। कहीं खेत में आ जाते हैं कभी कभी तो बोलते खेत में तो वो भी सारे कम आते। हाँ, देखो, देखो ये मूंगफली, मूंगफली क्या था, ग्रीन ग्रीन थी, उसमें से ऐसे हो गया। देखो पास से देखो, ये मूंगफली है। अब ऐसे कैसे इसको थ्रेसर मशीन से निकालेंगे? तो इसका बनाएंगे बड़ा बंच, छोटे बंच में से बड़ा बंच, फिर बड़ा बंच में से बनेगा बहुत ही बड़ा मांडवी का ढगला, जो ओम का पुराना वो था। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे संगीता है, यहाँ पे किरण है, ये बना रही है, ये छोटे बंच में से बना रही है बड़े बंच, और इसके ऊपर ओम जा सकता है, लेकिन जाना मत, ठीक है? और यहाँ पे भगत है, भगत ने डिसाइड किया कि नए कपड़े कोई भी नहीं पहनने, सब रखे दिवाली के ऊपर। सारा सारा काम खत्म हो जाए, मूंगफली के बहुत ज्यादा पैसे आ जाए, बाद में ही नए कपड़े पहनने। छोटे जो बंचेस होते हैं उसको कलेक्ट करके बड़े बना देते हैं, फिर इसको एवरी ईयर आप देखते ही हो, इस बार भी हम दिखाएंगे। एक वो बनाया है इसका, इसको उठाने के लिए स्टैंड जैसा जो ट्रैक्टर के पीछे लगता है, इसको छिपिया बोलते हैं हम लोग। तो छिपिया से इसको उठा के थ्रेसर जहाँ चल रहा है वहाँ लेके जाते, तो इस तरह से इजी होता है। उसमें से छोटे डंडे पीसेस निकालते हैं, वो डालते हैं थ्रेसर में, ऐसे वाले यही वाले वापस डाल, वापस उसको निकालना होता है। लेकिन एक एक करके थ्रेसर मशीन पे सारे खेत में से लेके जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसमें से बड़ा बंच बना के फिर लेके जाते हैं। हाँ, इसमें से कोई कोई बहुत अच्छे से बंच बनाते हैं, कोई कोई होते हैं जो इसको बिगाड़ते हैं। इसके लिए यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। संगीता पकड़ो, यहाँ पे आ जाओ। तो इसको पहले अच्छे से घर बनाना होता है कॉर्नर में, ठीक है, फिर साइड में से। सीमा भगत के भले रहो, एनु काम करे, अपने आपनो काम करी। और कुछ भी काम हो ना, बाहु भी होता ही है साथ में, देखो अभी भी है बाहु, आई होता ही है। ओम लेके जाओ, पास में से लेके जाओ, जो पास दारी भारी मिल लियो, दारी मुकियो ना, ये लेता जा जो। हां दारी करवा वाला ही मुकियो, कौन उ जाड़ियो तो। और इसमें से कभी कभी ये उठाता है ना, इसमें साफ बिछू आ जाते हैं। वो नहीं खा, ये काज में। तो पहले मूंगफली निकालना, फिर ये थर्ड बंच हो गया, क्या हुआ? हाँ दबा हुआ, आस पास के छोटे छोटे जो बंचेस है उसको जोड़ के बड़ा बंच बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं घरला, जो घर जैसा होता है इसलिए घरला बोलते हैं। पता नहीं घरला कर दिया, पहले इस तरह से नहीं करते थे, पहले बेलकाट में जो बैलगाड़ी होती है उसमें से लानी पड़ती थी मूंगफली, जहाँ पे चल रहा चलाना होता है, फिर वहाँ पे पूरी मूंगफली डाल के फिर उसके बंचेस बनाते थे, तो काम डबल होता था। अभी ये ट्रैक्टर से आ गए तो जल्दी काम होता है और शॉर्टकट हो जाता है ये। वहाँ पे कुछ फाइटिंग भी होगी बच्चों में फाइटिंग होती रहती है, होती रहती है। देखो देखो हो रही है अभी भी। शिव को अभी दूसरी बार सुलाया ना? हाँ दूसरी बार सुलाया, एक बार सो गया था, अभी मम्मी सुला रहे थे।
मम्मी भी बाहर आ गए, सो गया होगा। सो गया होगा फिर। ये दोनों में से कौन ज्यादा फाइटिंग कर रहा है? ये वाला, ये भाई ज्यादा फाइटिंग करता है। ये डोन बनने वाला है। क्या नाम है इसका? विशाल। विशाल द डोन। क्या सरनेम है तुम्हारी नंजी? विशाल भिंडे। विशाल भिंडे मुंबई चले जाओ डोन गिरी करने। वो जो बड़े वाला है ना, वो बहुत ही शांत है, वो नहीं फाइटिंग करता, वो बहुत नोटी है। खुश थे को। विशाल जिधर भी जाता है ना, बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती है, तो पता चल जाता है कि उधर विशाल गया है। और ये सब रिलेटिव्स ही है। क्या नाम है इसका? संगीता। संगीता एंड सीमा दोनों बहनें। दोनों बहनें। ये संगीता का हस्बैंड नानजी है, ये संगीता का भाई है, और वो संगीता की भाभी है, मतलब दूसरे भाई की बीवी। ये संगीता का सगा भाई है, संगीता सीमा का वो कजिन ब्रदर है। कमल, कमल नहीं है, हाँ, वो कमल की, कमल गया है वो मामा के। तो अभी जैसे इवनिंग का टाइम होता है ना, पूरा क्लाउडी वेदर हो जाता है। अभी भी हो गया ऑलरेडी। तो आज ना फिर से मेरे फ़ोन में कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम हो गई। ये तो टाइम लैप्स है, जो बड़े बंचिस जो करला हम बोल रहे हैं वो बनाते हैं उसके, लेकिन आवाज़ नहीं आई, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ से। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, आभा और मीरा को बाहर चेंज कर रहे, क्योंकि अभी मीरा का बेबी जल्द ही आने वाला है, तो मीरा को थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना हम देते तो उसके लिए अलग से उसको चेंज कर रहे, और आभा को भी साथ में चेंज कर रहे। अभी क्या करें दोनों यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि थोड़ी सी दोनों माँ बेटी झगड़ते भी है साथ में। और शिव ने खाना खाया, जब खाना खाता है तो पूरा गंदा हो जाता है खिचड़ी खा के, तो फिर नहलाया। शिव को नहाने में बहुत मज़ा आता है, फिर रेडी होके चल रहा है भाई के साथ, गिर जाता ना तो फिर अभी अकेला नहीं खड़ा हो पाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी चलना सीख गया। और रोज़ ऐसे प्रैक्टिस होती रहती है ना, तो इम्प्रूवमेंट होता रहता है, ज़्यादा डिस्टेंस अभी अच्छे से चल पाता है अकेला। और जब कोई पास में दिख जाए तो सामने ऐसे हाथ कर देता है, जैसे ओम है अभी सामने, तो तुरंत उसके पास चला जाता है। तो बहुत प्यारी मेमोरी मोमेंट है ये, जब बड़े हो जाएंगे तो देखेंगे कभी ये वीडियो की कितने छोटा शिव था। और अभी रामदेव गया था लखू भाई के घर, वहाँ से जो अभी थ्रेसर मशीन लेने गया है तो वो आ गया है, क्योंकि अभी हमारी मूँगफली निकालने के लिए हम एवरी ईयर लखू भाई का जो थ्रेसर मशीन है ना वो यूज़ करते हैं, तो वो लेके आया है रामदेव ऑलरेडी। इसमें कुछ ग्रीस करवाना था, वो सब कुछ करके। और रात को भी आज हमारे सारे वर्कर्स काम पे लगे हुए हैं, थोड़ा सा ओवर टाइम कर रहे हैं ताकि हमारी मूँगफली अच्छे से निकल जाए, क्योंकि बारिश कुछ आए या ऐसा कुछ हो इससे पहले जल्दी से काम हो जाए। और फिर से शिव का चलने का स्टार्ट हो गया। शिव को टाइगर बहुत पसंद है, टाइगर के पास जाना ही होता है, तो कल से जल्दी उठना पड़ेगा, कल सुबह से हमारी मूँगफली का काम स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि पूरा कल के दिन का भी वीडियो इसी में है। और जैसे ही कोई आता है ना स्ट्रेंजर, तो कोई भी हो आसपास अपना, उसके पास दौड़ के चला जाता है शिव। जैसे ही बाइक आई हमारे वर्कर, तो दौड़ के चला गया ओम के पास। राम राम सीताराम सबको। चलो बॉयज जल्दी जल्दी उठ जाओ, आज मूँगफली का काम स्टार्ट होने वाला है, थ्रेसर मशीन आ गया है। हाँ कैसे होगा वो तो जैसे ही मैं बाहर निकली वीडियो शूटिंग के लिए, यहाँ पे लखू भाई एंड रामदेव दोनों थ्रेसर मशीन में कुछ सेटिंग्स कर रहे, कुछ इसके जो बेल्ट होते हैं टाइट करने होते हैं जो भी, क्योंकि पूरा साल पड़ा रहता है, फिर इसका यूज़ होता है मूँगफली में, तो फिर पूरा साल ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसलिए लखू भाई एंड रामदेव दोनों इसको फिक्स कर रहे। इसका जो ऑडियो है, ओरिजिनल ऑडियो वीडियो का, वो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो गया, इसको तोड़ दूं या क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैंने ये सारा अभी एडिटिंग कर रही थी तब पता चला कि ये मैंने शूटिंग किया, लेकिन इसमें आवाज़ तो कुछ आई नहीं। अभी मैं क्या बोल रही हूँ वो मुझे भी याद नहीं है। तो बस अभी जल्द ही रेडी होगा हमारा थ्रेसर मशीन की जगह और सब कुछ, और वो रेडी करेंगे। तो ये सारे बंचिस है वो निकालेंगे, अभी आगे हमारे वर्कर बंचिस और बना रहे, ताकि ये पूरा थ्रेसर मशीन से ईजी से जल्दी जल्दी हमारा काम निकल जाए। और मम्मी यहाँ पे वर्कर्स को बता रहे कि क्या करना है कैसे करना है, और मम्मी राम राम सीताराम बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि मुझे घर में पसंद नहीं आता। अभी जब काम चलता है ना, मम्मी को वर्कर्स के साथ खेत में रहना होता है, अभी मम्मी को कुछ करना तो नहीं होता, क्योंकि सारा काम पार्टनरशिप में है, लेकिन सिर्फ मैनेज करना होता है, तो मम्मी होते हैं यहाँ पर उसके साथ।
और भगत यहाँ पे मजाक कर रहा है कि आज मूंगफली निकालना है, अभी मूंगफली निकालेंगे, पैसे आ जाएंगे, तो आज नया टी शर्ट चेंज कर लिया। ऐसे मजाक कर रहा था। किरण अपनी मम्मी के साथ वीडियो कॉल में बातें कर रही है एमपी से, और साथ साथ में काम भी कर रही है। ऊपर चढ़ाए यहाँ पे शिव है। ओके, वहाँ पे पूरा स्मूथ बना रहे ताकि वहाँ पे हमारा चारा ऐड कर सके, मूंगफली डाल सके। लोकू भाई के थ्रेसर मशीन में से जामुन निकल रहे हैं। नहीं, ये कुछ पुरानी मूंगफली और ये जामुन, क्योंकि जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। तो हमारी साइड में साल की जो मेन फसल होती है, जो मॉनसून की, वो मूंगफली होती है। तो जब हम मूंगफली लगाते हैं तब भी बहुत ही बड़ा दिन होता है सारे किसानों के लिए, और जब मूंगफली हम निकालते हैं हार्वेस्टिंग करके, जब थ्रेसर मशीन से निकालते हैं, तो सभी के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है, क्योंकि हमारा जो 4 महीने की मेहनत होती है उसका फल मिलता है। और रामदेव यहाँ पे मजाक कर रही है कि मैं मूंगफली बहुत खा रही हूँ जब भी देखो, और लखू भाई बोल रहे हैं कि इसलिए हम भारती को खेत में नहीं जाने देते क्योंकि आधी मूंगफली यही खा जाती है। तो ये मजाक मस्ती चलती रहती है और काम भी चलता रहता है। अभी सब सेटअप हो रहा है वहाँ पे, मूंगफली डालने के लिए सेटअप हो रहा है। ट्रैक्टर में यहाँ पे बंच आ रहा है पीछे लेके, अभी ये थ्रेसर मशीन भी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम जो ये बड़ा सा कपड़ा है वो बिछा रहे हैं मूंगफली डालने के लिए। इसको आधे में मूंगफली डालेंगे, आधा अगर कुछ हो, ऐसी इमरजेंसी हो, बारिश आ जाए कुछ, तो इसको हम कवर कर पाए, इसलिए पूरा बड़ा ऐसे ये बिछा रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे मूंगफली जाएगी हमारी पूरी। और अभी ट्रैक्टर से पूरे बंचिस आएंगे थ्रेसर मशीन के पास, और थ्रेसर मशीन स्टार्ट हो जाएगा। ऑरेंज निकालेंगे, ब्लैक निकालेंगे, बहुत शौक है ये ट्रैक्टर ऐसे चला के। ये जो बंचिस होते हैं वो खेतर में से लाने पड़ते हैं, खेत में से। हाँ बाजू नाज आ लाएंगे, लेवानी है पहला। यहाँ पे थ्रेसर मतलब अभी चलने ही वाला है, पूरी जो तैयारियाँ इसकी होती है। मूंगफली वो जो ब्लैक तालपत्री हम लाया हूँ मैं, उस पर डालेंगे ताकि पूरी कवर अप करनी हो तो कर सकते। अवस्था भाई अभी बोल रहा है कि पानी की जगह डीजल जाने देना है आगे, और डीजल की जगह पानी। रामदेवानी साहब को ना खेदाते ही क्या। रामदेवान से बोल रहे अवस्था भाई को बोल। होने वाला है अभी 1-2 मिनट में।
हमारी यहाँ पे आएगी अभी मूंगफली सारी और काम हो गया स्टार्ट। अच्छी आ रही है मूंगफली। अभी
थ्रेसर का काम सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। इसका क्या होता है कि एक बार अच्छे से सब स्टार्ट हो जाए फिर चलता रहता है, और मूंगफली भी अच्छे से सूख गई है। वरना क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी मतलब सूखी नहीं है अच्छे से तो नहीं निकलती अच्छी। तो काफ़ी अच्छी निकल रही है मूंगफली, और भारती को ये बहुत शौक है, जहाँ पे मूंगफली आती है वहाँ पे और खाती रहती है साथ में। हमारे वर्कर सब अपने अपने काम में लग गए हैं, भगत ऊपर से थ्रेसर में डाल रहा है मूंगफली, बाकी सब उसको पास कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे जो चारा होता है, और इस बार चारा बहुत ही अच्छा निकलेगा गायों के लिए। लखू भाई ने खाना खा लिया, मम्मी अभी बैठे खाना खाने के लिए, वाली बिन बना रहे रोटला। ट्रैक्टर चल रहा है ओपनर, ये क्या आवाज है शिव, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मम्मा मम्मा कहा लखू मामा। तो सभी गायों को मिल रहा है मूंगफली का पहली बार नया चारा जो है। तो अभी धूप होती जा रही है थोड़ी थोड़ी, और हमारा जो मूंगफली का काम है वो चलता ही रहेगा ऐसे कंटिन्यू। लखू भाई भी है हेल्प में, और रामदेह दोनों मिल के ये डाल रहे हैं। तो ये मयंक भाई हैं, और ज्योतिर्लिंग जितनी भी है हमारे देश की वो कर रहे एक के बाद एक, और ये अभी सोमनाथ से आ रहे और द्वारका नागेश्वर जा रहे, तो बीच में हमारे यहाँ आ गए हमारे व्यूअर है, यूट्यूब फैमिली से मयंक भाई, और इनका उपवास भी है। सोमनाथ से निकले और अभी ये ज्योतिर्लिंग करके बोल रहे हैं कि मैं शाम को भोजन करूँगा। तो कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं है, पानी पिया है सिर्फ। सो मयंक भाई थैंक यू आने के लिए, धन्यवाद।